हमने गैस लॉ पे आ गए थे, गैस लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, एंड आवर फर्स्ट लॉ वॉज बेसिकली बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, पहला लॉ था बॉयल्स, और इस बॉयल्स लॉ में आया था दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर किसी गैस की हम बात करें तो गैसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है। तो अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ाते हो तो प्रेशर कम हो जाएगा, दैट इज दे आर इनवर्सली। और इसे आप पी वी कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, और इसे आप पी वन वी वन पी टू वी टू इक्वेट करके कह सकते हैं, या आप चाहें तो पी वन अपॉन पी टू इनवर्सली है तो ऊपर उल्टा लिखिएगा, पी टू अपॉन वी वन ऐसे कह सकते हैं। आप चाहें तो इसे ग्राफ में शो कर सकते हैं। बेटा अभी आप ग्राफ सिर्फ इतने बनाइएगा, पी और वन बाई वी का ग्राफ, ये दोनों डायरेक्टली हैं तो ऐसे आ गया। और अगर आपने दो ग्राफ बना दिए हैं या तीन ग्राफ बना दिए हैं और ये अलग अलग टेम्परेचर के हैं, टी वन टी टू टी थ्री, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करके या मोर द स्लोप से, तो टी वन इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी थ्री आएगा। और दूसरा ग्राफ आप ये ध्यान रखिएगा, पी और वी में है ये ग्राफ ऐसा आएगा। अगेन अगर ये टी वन टी टू है और एक टी थ्री है तो दोनों के लिए सेम मैंने लिखा है, टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू टी वन। तो ये बेसिकली बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा था। और अगर एक ग्राफ की बात करें तो ये भी ग्राफ था, अगर हमने यहाँ पी इंटू वी और टर्म दैट इज पी ले लें या टी ले लें, ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, चाहे यहाँ पी ले लें या वी ले लें। दिस वन दीज ग्राफ आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो कोर, सॉरी आइसो थर्म्स। ये सारे ग्राफ आपके आइसो थर्म्स कहलाएंगे क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है इन सब में, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बनाए जाते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था, दीज आर टर्म्ड एज बॉयल्स लॉ। ओके, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल में एक स्पेशल एक दो क्वेश्चन अभी करा दूंगा आपको, कि आप जरा ध्यान रखिएगा कि ये यूनिट सेम हो, मतलब प्रेशर की पहले और बाद में यूनिट सेम हो। ऐसे ना हो कि शुरू में प्रेशर एमएम ऑफ एचजी में हो, बाद में एटमोस्फियर में आप ले रहे हो, तो ऑब्वियसली आंसर थोड़े से मैच नहीं करेंगे, गलत आएंगे। तो यूनिट्स का जरा ध्यान रखिएगा, इनिशियल और फाइनल सेम हो। नेक्स्ट लॉ बेसिकली जो हमने कल पढ़ा था दैट वाज चार्ल्स लॉ। आई होप सो, हमने इसकी स्लाइड्स भी देखी थी। चार्ल्स ने क्या कहा था कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवेन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इन कैल्विन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इलोबरेट ज्यादा करना पड़ेगा, बट कैल्विन के हिसाब से पढ़िए, ज्यादा इजी रहेगा। वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, बट रिमेंबर टेम्परेचर मस्ट बी प्लेस इन कैल्विन। और अगर आप इसे कहना चाहें तो वी अपॉन टी कॉन्स्टेंट हो गया वी वन वी टू, या वी वन अपॉन टी वन वी टू अपॉन टी टू भी कह सकते हैं। एंड ग्राफिकल लैंग्वेज में वी और टी इन कैल्विन डायरेक्टली हैं, इसलिए आप स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा सकते हैं। मैंने जानबूझ के फिर से वही तीन लाइंस का चक्कर कर दिया है, क्योंकि इन सारे ग्राफ में बेटा प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ग्राफ कहलाते हैं आइसो बार। तो ये ग्राफ आइसो बार है। तो बेटा ना द क्वेश्चन इज दिस, यहाँ का प्रेशर पी वन है, यहाँ कॉन्स्टेंट प्रेशर पी वन है, यहाँ पी टू है, यहाँ पी थ्री है, तो विच प्रेशर इज हाई। तो आपको एक तरीका बताया है, आप उसी को फॉलो करें ज्यादा अच्छा है, कि आप क्या करें, कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मैंने जैसे यहाँ इस बारी वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर दिया है तीनों में, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो ऑब्वियसली प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम कॉन्स्टेंट किया है बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बेटा ये आपको दिख रहा है ना, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अभी मैंने क्या कहा, प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में। तो बच्चे पी वन इज ग्रेटर देन पी टू इज ग्रेटर देन पी थ्री, ध्यान से देखिए आप गलत सोच रहे हैं, पी वन ग्रेटर देन पी टू ग्रेटर देन पी थ्री है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ लिख के बता देता हूँ बेटा, जैसे ये ग्राफ है,
ठीक है, और जानबूझ के मैं दो ही लाइंस ले रहा हूँ, तीन नहीं ले रहा हूँ अब, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इज इट क्लियर? ऑब्वियसली ग्राफ वॉल्यूम और टेम्परेचर इन कैल्विन का है और यहाँ का कॉन्स्टेंट प्रेशर पी वन है, यहाँ पी टू है। लेट सपोज अब की मैंने प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दिया, ये लीजिए अब की यहाँ पे हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट किया है दिस वन, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया है और आई होप सो आपको दोनों का प्रेशर मतलब बेसिकली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हम देखना जा रहे हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन देख रहे हैं, पी वन का वॉल्यूम वी वन कह दिया है और पी टू का वॉल्यूम हमने वी टू कह दिया है। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बॉयल्स लॉ में बताया गया है दे आर इनवर्सली, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। तो बच्चों यहां साफ दिख रहा है वी वन, ये क्योंकि ग्राफ ऐसा चल रहा है ना, जीरो वन टू ऐसे चल रहा है, तो वी वन वी टू से ज्यादा है, एंड इफ वी वन इज मोर देन वी टू तो यहां उल्टा हो गया, अगर वी वन वी टू से ज्यादा है, वी वन इज मोर देन वी टू देयर फोर पी टू इज मोर देन पी वन। क्या अब आपको समझ में आया पी टू इज मोर देन पी वन, ये उल्टा क्यों हुआ? ठीक है, क्योंकि दो बारी बच्चों ने उल्टा लिख दिया था यहाँ कि ये पी थ्री ऊपर लिखा है तो उन्हें लगा ये प्रेशर ज्यादा है जबकि यहाँ पे पी वन ज्यादा है, और मैंने अभी तो फिलहाल लेमन लैंग्वेज दो तरीके से प्रूव किया है, चाहे आप प्रेशर एक्सेस पे सॉरी चाहे आप टेम्परेचर एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दीजिए, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देख लीजिए, चाहे आप वॉल्यूम एक्सेस पे कॉन्स्टेंट कर दीजिए और तब देख लीजिए, तो यहाँ पे दो तरीके से देखा जा सकता है दैट इज which प्रेशर इज मोर और लेस। वेरी गुड, क्लियर है अब आपको? सभी बच्चों को क्लियर है, विजय को तो क्लियर है, उनका जवाब आ गया है, बाकी को भी क्लियर होना चाहिए। वेरी नाइस विदई विजय, ओके बाकी बच्चों को भी क्लियर है। तो इसमें दूसरा पॉइंट जो बच्चों था हमारा, वेरी गुड, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड का। तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ा सा याद रखना चाहते हैं तो बस इतना याद रखेंगे कि विद ईच राइज एंड फॉल दैट इज चेंज इन वन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द वॉल्यूम चेंज बाई वी नॉट अपॉन 273। विद ईच चेंज इन वन डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज बाई वी नॉट बाई 273, मतलब जो भी जीरो डिग्री पे वॉल्यूम था उसका 273rd पार्ट ये कम हो जाता है। तो ये वाला वर्ड अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, इज इट क्लियर? ठीक है, एक चीज और, एक सेकंड बच्चों हैं, लेट आई चेक, नो ओके नहीं अभी इसमें, ओके कल डालता हूं मैं इसमें, चलिए कोई बात नहीं। नाउ बेटा एक सेकंड और दीजिए जस्ट, क्योंकि ये मैंने अभी अरेंज नहीं किया था, उसमें टाइम लगेगा, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, ये तो हमारा पिछला हुआ, ठीक है ये हमारा पहले जो हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे फास्ट कर रहा हूं, और बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दो मेन लॉ हमारे हो चुके हैं तो उनके क्वेश्चन हम देखेंगे। ये रहा बॉयल्स के बारे में, ये उनका फोटो था, ये रहा बेटा हमारे होप सो कल चार्ल्स के बारे में, ये वाला फोटो, चलिए ठीक है ये भी हो गया था। ठीक है, नाउ प्रेशर को डेंसिटी से रिलेट किया, ये रहे बेटा बॉयल्स के दो न्यूमेरिकल जो हम कल कर चुके हैं। नाउ द चार्ल्स लॉ, बेटा यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रेशर और ऑब्वियसली वॉल्यूम और टेम्परेचर इनवर्सली हैं, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये पिस्टन ऊपर की ओर चला गया, ये वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाते ही वी इंक्रीज कर दिया, शुरू का वॉल्यूम इतना था बाद का वॉल्यूम इतना हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये हमारा चार्ल्स है छोटा सा बच्चा। ठीक है, यहाँ ये कहा गया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और बेटा मैंने इसे इसलिए थोड़ा सा आगे कर दिया है क्योंकि ये कल हमारा डिटेल हो गया और अभी हमने सीख भी लिया। नाउ बेटा इमेजिन हाइड्रोजन गैस इन ए वेसल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ओ सॉरी ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ये एक हाइड्रोजन गैस है, टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे जीरो से वन डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये वन डिग्री में कितना इंक्रीज हुआ है ये आपको याद होगा,
अगेन आपने 1 से 2 डिग्री किया है तो फिर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज, और आपको अगर ध्यान है तो हर बारी v अपॉन 273 टाइम्स ये चेंज होगा, ठीक है। नाउ तो वॉल्यूम इज अगेन इंक्रीजेस, डबल अगर करना है तो पूरे 273 से इंक्रीज कर दीजिए, डबल होगा। तो ये v1 पे कितना था v0, और v0 का 273rd पार्ट इंक्रीज हुआ। अब v1 से v2 पे अगर जाना है तो क्या है, तो बेटा v1 से v2 पे जा रहे हैं तो v1, और फिर v1 से ठीक है 1 अपॉन 273rd पार्ट पिछले वाले का इंक्रीज हो गया है, और 0 से डायरेक्ट अगर 2 पे जाना है तो v0 प्लस भाई यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। और ऐसे ही अगर 5 कर रहे हैं तो इसे 5 कर देंगे। तो ये हमारा आ गया कि प्लस या माइनस अगर करना हो तो कितने का चेंज आएगा। एंड आई होप सो आपको क्लियर है, ये हमने कल डिस्कस भी किया था, इसी चीज को टेम्परेचर इन केल्विन कह सकते हैं। तो इसे अगर हम यहां से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई टेम्परेचर इन केल्विन, और अपॉन टी ये जो 273 है इसे टी नॉट कह दिया है। तो यहां से आ गया वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और ये टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। और बेटा अगर माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और माइनस 273 पे जब जाएगा तो वो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, यानी गैस विल नॉट एग्जिस्ट, उस समय वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में चली गई, ठीक है। वॉल्यूम जीरो कैसे हो सकता है, तो एट जीरो केल्विन गैस विल नॉट एग्जिस्ट, इट चेंजेस इनटू लिक्विड और सॉलिड फॉर्म। ग्राफ आपको कल बताए थे, आज भी अभी रिवाइज कराएं, शीट से देखिए, सॉरी पीपीटी से देखिए, वॉल्यूम हाई टेम्परेचर हाई, दोनों हाई है, तो इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करके यहां मिला दीजिए। अगर हमने अब इसके बाद वॉल्यूम कम किया है या टेम्परेचर कम किया है तो वॉल्यूम भी कम हुआ होगा, ये ग्राफ यहां आएगा, और ये जब प्रैक्टिकल वैल्यू से देखेंगे तो ये ऐसा आएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर इन केल्विन है तो ये ओरिजिन से शुरू होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। इन ग्राफ को हम आइसोबार कहेंगे बच्चों, क्यों आइसोबार कहेंगे, क्योंकि इस समय प्रेशर कांस्टेंट है, आइसो मींस कांस्टेंट, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये आइसोबार का मतलब हो गया कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कभी कभी मजाक में बच्चों से पूछ लिया था, मैंने बताओ बेटा आइसोबार का मतलब क्या है, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूँ, जो मस्खरे एक दो बच्चे होते हैं ना क्लास में मस्ती करते हैं, उनसे पूछा आइसोबार क्या है, एंड आई वाज टीचिंग आइसोटोप आइसोमर ये सब, तो मस्खरों की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा आईएसओ सर्टिफाइड बार, बार तो समझ रहे होगे वो कौन सी बार कहने वाले हैं, वो कह रहे हैं वो वाली बार जो आईएसओ सर्टिफाइड है वो आइसोबार है, ठीक है। तुम लोग इंटेलिजेंट और अच्छे बच्चे हो, आई होप सो, तुम ऐसी बातें नहीं कर रहे हो। अगर दो लाइनें खींची हैं तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये है, ठीक है, और ऑब्वियसली हाई प्रेशर आगे की तरफ मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड का है तो आपको ध्यान होगा डिग्री सेंटीग्रेड में एक्चुअली 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम जीरो नहीं होता, वो आप पीछे करेंगे तो माइनस 270 पे वॉल्यूम जीरो होता है, और जितना हाई प्रेशर होगा ग्राफ नीचे की ओर बनेगा, जितना लो प्रेशर होगा ग्राफ ऊपर। फिलहाल ये दोनों ग्राफ कल हमने कंपेयर भी किए थे, अगर आप केल्विन वाला ग्राफ बना रहे हैं तो वहां चला जाएगा 0 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड ही, एंड आई होप सो अब आप क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। ये भैया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये शिप इनका तैरते हुए पता नहीं कब से चल रहा है, अभी तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये भैया सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर दो, सॉल्व इट। ऑन ए शिप सेलिंग इन ए पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड, A balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean? ये Pacific से चल के Indian में आ गया है, और the temperature at Indian Ocean is 26.1. This one. एक आध बच्चे ने आंसर दे भी दिया, very fast and very good. बहुत बढ़िया बच्चे, आपने 2.0 something कहा है, ठीक है, थोड़ा सा ही change होना है, तो calculator का use आप कर रहे हैं, इसका मतलब hardly matter. बाकी बच्चे भी देखें, तो इस बच्चे को तो एकदम क्लियर है, आपको भी क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस इसमें एक गलती ना करें कि आप टेम्परेचर केल्विन में लिखना ना भूलें, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है,
तो बच्चों ये ध्यान रखना है, वी वन अपॉन टी वन कहना चाहें तो टी वन और वट एवर, वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, और वी वन की वैल्यू आपकी है शायद 2 लीटर और वी टू की वैल्यू हमें निकालनी है, और शुरू का टेम्परेचर बस कैल्विन में चेंज करना मत भूलिएगा, 223 को ऐड कर लीजिए 273 में, 296 आएगा शायद, वट एवर आप एक बार मैथमेटिक्स अपने आप करिएगा, और शायद ये 301.1 वट एवर, ओह सॉरी 299 आएगा, ये गलत लोगे ना, 26 ऐड करना है तो 273 में, ओके 299, ओके तो पहली कैलकुलेशन गलत थी क्या यार, तुम देखो अब 299.1 लिख दिया, और इसके बाद V2 को आप जब सॉल्व करेंगे 299.1 into 2 upon 296.4, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है तो ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो आपका आंसर मुझे सही लग रहा है 2.08। अब एक बार ये बुकिश आंसर देख लें, ठीक है ना, V1 is equal to 2 liter, T1 is equal to this one, ठीक है सी कैलकुलेशन साइड, ठीक है V2 ठीक ही है, ओके इसका मतलब हमने सही रखा था, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी अपॉन टी इज लीटर। नाउ बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 298 केल्विन ऑक्यूपाइज 49 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम, what will be the volume of same amount of oxygen at constant pressure and 400 Kelvin? Straight question है, कोई सोचना नहीं है, कोई unit change नहीं करनी ज़्यादा, direct solve it. अब करिए बेटा. आई होप सो आप लोगों को कंडीशन समझ में आ गई हो, तो ऑब्वियसली आंसर एकदम वैसे ही करना है आपको, ओके एक बच्चे ने आंसर दिया अभी तक खाली 65.77 लीटर दिया है, और दूसरे ने भी ऑलमोस्ट सेम ही दिया है, वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर आया। अच्छा देखिए बेटा, पहला पॉइंट, ये जो 2 मोल्स दे रखा है ना, इट इज ओनली फॉर कंफ्यूजन, इसका कोई लेना देना नहीं, वाई क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि सेम अमाउंट है, तो अमाउंट अगर सेम है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी फॉर्मूला लगाना है, तो आपको दिख रहा है कि अब बेटा आंसर में इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए, एक बच्चे का 36 था, एक का 67, अभी देखते हैं, ठीक है, तो एक दो डिग्री का आगे एमएल का अंतर हो तो दिक्कत नहीं थी मुझे, तो आपको बेसिकली ये तीन वैल्यू गिवेन है, चौथी निकालनी है 49, 298 एंड 400, 298 से 400 बड़ा है तो 49 से ज्यादा ही होगा, अविशी बेटा आपका आंसर 101% गलत है, और क्योंकि आपने हाफ कर दिया शायद, व्हाटएवर, या जो भी आपका 36 आंसर आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जब इनिशियल 49 था तो बाद का वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर की बात की है, चार्ल्स लॉ लगाना है, तो बेटा ये V1 अपॉन V2 T1 अपॉन T2 फॉर्मूला लगाइए, और जैसे आप ये फॉर्मूले पुटअप करेंगे तो आपको दिख जाएगा बेटा इट इज कॉमन सेंस 298 400, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, 49 को 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोर देन 1 आएगा, तो शायद आप कहीं और कुछ गलती कर गए, फिलहाल द ऑक्सीजन आंसर इज 65.7, वैल्यूज इंटरचेंज हो गई थी, ये एक और गलती अगली बार से नहीं होनी चाहिए, और ऐसी गलतियां आप लोग यहाँ पे करते रहा करिए, पता है क्यों, अब की आपने ये गलती की, पकड़ ली, समझ में आ गया, तो गारंटेड एग्जाम में अब आपसे नहीं होगी, और कुछ बच्चों ने यहाँ नहीं की है तो वो एग्जाम में जाके करेंगे, अब देख लो किसमें ज्यादा फायदा है, यहाँ तुम्हें गलती करने में ज्यादा फायदा है, कि अगर गलती हो रही है तो अगली बार से आप थोड़ा और कॉन्शियस होके काम करेंगे, एक क्वेश्चन और कराऊंगा क्योंकि तुमने गलत किया है, ओके जल्दी बढ़ जाते हो। अ फ्लास्क ऑफ ए वॉल्यूम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ फ्लास्क हैज ए वॉल्यूम ऑफ 0.25 डेसीमीटर क्यूब, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द फ्लास्क इफ इट इज हीटेड फ्रॉम 300 टू 360 केल्विन, व्हाट वॉल्यूम
ऑफ एयर विल बी डिस्प्लेस्ड, या व्हाट वॉल्यूम कह लो या व्हाट फ्रैक्शन कह लो, दोनों चीजों में क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करिए. अरे वेरी गुड विजय, वेरी फास्ट, बहुत बढ़िया. एक बच्चे यार लेकिन तेरा आंसर गलत है बेटा. शुरू में वॉल्यूम है 0.25, आप कह रहे हो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, कितना निकल जाएगा, 3.25 से मतलब तुम पे पैसे कितने गलती से जीरो एक्स्ट्रा आगे लग गया. अरे मेरे भाई 0.3 भी तो गलत हुआ. अगर तुम्हारे पास 25 रुपए आए और हम कह रहे हैं कुछ खर्चा हो गया, कितने का हो गया, तुम कह रहे हो 30 का हो गया, अबे थे 25-30 कैसे खर्च हो गए, मतलब 0.25 इनिशियल है तो उससे कम ही रहेगा. एक बच्चे का आंसर अब आया 0.05, एक का 0.6. चलिए ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया. इट इज चार्ल्स लॉ. आप खाली करें क्या, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का डिफरेंस निकाल दें, उतनी गैस बाहर आ गई, मतलब ऑब्वियस सी बात है अमाउंट थोड़ी चेंज हो जाएगा. या वॉल्यूम शुरू का है 0.25, ठीक है, ओके, बाद और शुरू का टेम्परेचर 300, बाद का टेम्परेचर 360, जरा बाद का वॉल्यूम निकाल लेते खाली आप, और बाद का जो वॉल्यूम आएगा उतनी एयर बाहर निकल गई है बेसिकली. तो इट इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस, कितनी एयर बाहर आ गई है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो बेटा चार्ल्स लॉ लगेगा और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लगने के बाद अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ ये वाली वैल्यू आपने पुट अप करनी है और ये आपका आंसर 0.3 आया. अब कई बच्चे जल्दबाजी, ओ होए फिर वही गलती बेटा, 0.3 में से 0.25 माइनस करेगा तो 0.05 आएगा, मतलब 0.25 इनिशियली आप तो कह रहा 0.5 निकाल दूंगा, मतलब पहले तो हजारों में गलती कर रहा था, मैं लाखों में करूंगा, गलत बात है ना. तो यहां माइनस तो कम से कम सही से कर लो, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस आएगा 0.05. ओके, कई बार ये पूछ लेते हैं कितना फ्रैक्शन एयर का बाहर चला गया है, तो इसी को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 या 20% कह सकते हैं. 0.05 अपॉन 0.25, ये 1/5 या 20% फ्रैक्शन जो है ये चेंज हो गया है, ठीक है. तो ये आप कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस फ्रॉम द फ्लास्क इज 0.05. एक दो एमसीक्यू भी देख लेते हैं बच्चों. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये तो अब बच्चों वाला हो गया आपके लिए, चार्ल्स लॉ में क्या चीज सही है. आई होप सो, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर सही होना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है. अब सबका आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी नाइस, ए और फर्स्ट एक ही बात है. वेरी गुड निखिल, वेरी गुड उंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें. इन एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मीन व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर, सॉरी अब ये आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है. आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम या प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सब, तो ऑब्वियसली ये, अरे बेटा वैदेही आप क्या आंसर दे रहे हो, आइसोबारिक में क्या कॉन्स्टेंट है. अच्छा वेरी गुड विजय बेटा, दो ए तो है भी नहीं, अच्छा क्या टाइपिंग में वी होना चाहिए, हो नहीं पाया सर वो स्पीड. हाँ समझिए मैं, दैट्स गुड, आप लोगों को फिलहाल आ गया आंसर, वेरी नाइस. बेटा वैदेही आप बताओगे आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों कहा है, बाकियों का सही है. आइसोबार मैं बोल भी चुका हूँ, आइसोबार, बार का मतलब होता है प्रेशर, अब तुम बार में चले जाओ तो मैं क्या करूं, तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आंसर बी होगा. ओके आई होप सो यहाँ तक क्लियर है. तीसरा लॉ है गे ल्यूसेक्स लॉ. व्हाट इज गे ल्यूसेक्स लॉ, एक बारी पहले इसे समझ लेते हैं. व्हाट इज गे ल्यूसेक्स लॉ, आई होप सो बच्चों इसको याद करने के लिए मैंने एक वर्ड बना रखा पीजीटी, इससे ध्यान रखा हुआ है, ठीक है. जो गे ल्यूसेक्स लॉ है वो पी और टी में लगता है, चक्कर क्या है ना, एक गे ल्यूसेक्स लॉ स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी मूल कॉन्सेप्ट या लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी है, तो वहां गे ल्यूसेक्स लॉ कुछ और कह रहा है, वहां कह रहा है बेसिकली एवोगैड्रो लॉ वाली बात कि इक्वल वॉल्यूम गैसेस या गैसेस रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इफ the conditions of temperature and pressure are same. तो वो लॉ अलग है, ये अलग है, तो इसे याद रखने के लिए पीजीटी मैंने रखा है, दिमाग में रखो.
पीजीटी में जी जो है वो ये लूसेक्स के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी और टी में ये लॉ है। तो ये लॉ क्या कह रहा है, ऑब्वियसली आप दो लॉ पढ़ चुके हैं तो आपको इतने से सफिशियंट है, समझ में आना चाहिए। व्हाट दिस लॉ इज स्पीकिंग, ये क्या कह रही हो, ये कह रही है कि टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होवे, कब होवे, जब वॉल्यूम और अमाउंट कांस्टेंट है। यानी अगर एक गैस गिवेन है आपको एक कंटेनर में, आपने प्रेशर बढ़ाया ठीक है, और इधर से टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, या उल्टा कहना चाह रहा हूं कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया और ऑब्वियसली गैस का कंटेनर वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करने दे रहे, तो जब आपने प्रेशर हीट किया किसी चीज को, तो हीट करने पे अंदर मॉलिक्यूल तेज तेज मूव करने लगे, ज्यादा टकराने लगे, तो प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर से एक बार समझो क्या कह रहे हैं, ये एक कंटेनर है जहां आग जला दी गई है, और इस आग जलाने की वजह से ये जो पार्टिकल्स थे ये पहले जिस स्पीड से टकरा रहे थे, आग आने के बाद ज्यादा स्पीड से टकराने लगे, और इसको हमने कह दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चेंज ही नहीं हो रहा, दैट मींस पिस्टन बाहर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो इस केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर केल्विन में लीजिएगा, ज्यादा सोचना नहीं ठीक है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ आ गया, प्रेशर टेम्परेचर इन केल्विन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके। और अगर ये दो ग्राफ बने हैं, एक V1 के लिए एक V2 के लिए, नाउ अब गलती मत करना भैया, विच वॉल्यूम इज मोर, ऑब्वियसली ये सारे ग्राफ कहलाते क्या हैं, अगर कोई बच्चा पूछेगा तो ये ग्राफ कहलाते हैं आइसोकोर ठीक है, इसे चोर मत पढ़ना, कोर पढ़ना ठीक है, आइसोकोर कहलाते हैं ठीक है। तो विच वॉल्यूम इज हाई, वी वन और वी टू, कौन सा वॉल्यूम आपको बच्चों ज्यादा लग रहा है और क्यों, वेरी गुड, एक बारी बता देते हैं हम, वैसे आप सही सोच रहे हैं मेरे हिसाब से। यहां अगर हम इसको कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर दें, कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करें, वेरी गुड, तो ये ग्राफ में V2 क्या जो आ रही है वैल्यू वो P2 कह दीजिए, इसे P1 कह दीजिए, और यहां साफ दिख रहा है क्योंकि ग्राफ ऐसे चल रहा है, P1 is more than P2, and if P1 is more than P2, then V2 is more than V1. I hope so, आपको याद है, very nice. ठीक है, बेटा विषय आप पूछो पहले। Sir, इसमें pressure और temperature में ये directly proportional है। Sir, तो pressure तो walls पे ज़्यादा बढ़ेगा ना, particles के बीच में तो pressure कम होना चाहिए। एक बार फिर से पूछना, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? Pressure किस पे ज़्यादा बढ़ेगा मतलब? सर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स और तेज मूव करेंगे, तो वो प्रेशर वॉल्स पे बढ़ेगा ना, और प्रेशर कहते हैं किसे, व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक मिनट सुनो बेटा, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या है, प्रेशर का मतलब होता है किस वेलोसिटी या स्पीड या एनर्जी से वॉल पे जाके कोलोइड कर रहा है, स्टिक कर रहा है, यहाँ पे फोर्स मारेगा ठीक है। तुम अपने घर की दीवार पे मार के देखना हाथ जोर से अपना, फिर सिर भी मार के देखना ठीक है। तो ये जिस फोर्स से आप अपना हाथ लग रहा है या सिर लग रहा है, वो प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो प्रेशर यूनानिमस मतलब हर तरफ एक जैसा लगता है, यानी अगर वो इस वॉल पे एक्स फोर्स या न्यूटन पर मीटर है, तो इस वॉल पे भी एक्स न्यूटन पर मीटर है, ऊपर भी और नीचे भी, हर वॉल पे एक जैसा प्रेशर लगता है। तो बेसिकली व्हाट इज प्रेशर, इट इज ये वाले पार्टिकल्स जो हैं जब ये मूव करते हैं, और ये गैस में सब इंडिविजुअल होते हैं, आपस में अट्रैक्शन का कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि अभी हम सारी बातें आइडियल गैस की मान रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वीआरएमएस बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, और अगर इनकी स्पीड बढ़ेगी तो ये तेजी से जाके टकराएंगे, ज्यादा तेज टकराएंगे, ज्यादा एनर्जी से टकराएंगे, तो इसे प्रेशर कह रहे हैं। फिर से पूछो अब, अगर क्लियर नहीं हुआ तो, अब आप अपना पॉइंट समझाओ मुझे, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं सर, ये पार्ट तो क्लियर हो गया सर, एक और है सर, जो प्रेशर होता है वो 1 बाय वॉल्यूम होता है, है प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, हां तो मतलब सर के अपॉन वी ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो सर जब हम इसकी वैल्यू पुट करके, नहीं आप समझे नहीं, आपने यहाँ पे इस पॉइंट पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये चीज क्या है,
ये क्या है, ये है एक क्लोज्ड कंटेनर, और यहां मैंने कहीं लिखा है आइसोकोर। आइसोकोर का मतलब इस समय का वॉल्यूम रखा गया है कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज नहीं होने दे रहे, डब्बा बंद है बिल्कुल हीट करने के बाद। ये नहीं है कि डब्बे का लिड ऊपर जा रहा हो या व्हाट यू कैन से पिस्टन ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। जब ये लॉ हम बोल रहे हैं, इसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इस लॉ को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है उस समय का ये लॉ है, तो वॉल्यूम बढ़ाओ मत, वॉल्यूम को सोचना ही नहीं है इस समय, क्योंकि वॉल्यूम तो इस समय क्या है कॉन्स्टेंट। और अब अगर आप ये कह रहे हो कि फिर ये दो लाइनें कैसे बन गई, तो भैया ये एक अलग वॉल्यूम के लिए है और ये एक अलग वॉल्यूम के लिए। मतलब सपोज एक बारी मैंने 10 लीटर गैस ली थी, एक बारी मैंने 20 लीटर गैस ली, और 10 लीटर गैस का भी प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बन सकता था, 20 लीटर गैस का भी बन सकता था, दो अलग अलग वॉल्यूम के ग्राफ बनेंगे। इसका अपना ग्राफ है, इसका अपना ग्राफ है। और अब मैंने ये पूछा कि बताओ भाई इन दोनों में से कौन सा वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब 10 लीटर वाले का ग्राफ कौन सा है, 20 लीटर वाले का कौन सा है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला शायद लेस वॉल्यूम वाले के लिए आया है, और ये वाला ग्राफ मोर वॉल्यूम के लिए। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? विजय बेटा, आपने कुछ लिखा था, मैं देख नहीं पाया, मैं पढ़ा रहा था। अब आप पूछो। सर प्रेशर जो है 1/V के डायरेक्टली इनवर्सली होता है, तो सर 1/V के इनवर्सली नहीं, V के इनवर्सली है, और 1/V जब आपने बोल दिया तो 1/V और प्रेशर डायरेक्टली हो गए, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम लगाना ही नहीं है। अब बोलो सर, हमने चार्ल्स में पढ़ा था कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली है, और यहाँ पढ़ा कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली है, तो सर वॉल्यूम तो अगर टेम्परेचर रूप करे तो वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन बॉयल के हिसाब से 1/V। अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे, थोड़ा हिंदी में समझो। जब हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा उस समय हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, अगर टेम्परेचर नहीं बदलने दोगे तो, जब टेम्परेचर नहीं बदला जाएगा तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली होंगे। जब वॉल्यूम नहीं बदलने दोगे, जैसे यहां पे है वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे और प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखोगे, यानी किसी चीज को हीट करोगे, तो वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। एक कॉमन सेंस पहले लगा के सोचना, आप इससे उसमें पुटअप क्यों नहीं कर सकते, आप इससे उसमें पुटअप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बॉयल्स लॉ जब बनाया गया है उसकी जो कंडीशंस है उसमें है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, एवोगैड्रो लॉ सॉरी दिस वन गे-लुसेक्स लॉ में क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं कर सकते ना, एक दूसरे को आप इस रिलेशन में नहीं ले जा सकते कि उस समय ये पढ़ाया इस समय ये पढ़ाया, इसको यहां प्लेस कर दो उसको वहां प्लेस कर दो, प्लेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन जो यहाँ की बनाई है वो रिवर्स हो जाएंगी। हमने कहा है कि प्रेशर या यहां वाले को हम बोल दे रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब आप कह रहे हो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम को सोच लेते हैं या प्रेशर और वॉल्यूम को सोच लेते हैं और यहाँ वॉल्यूम की जगह 1/V रख देते हैं, तो 1/V और टी तो ये ऐसे आ गए, शायद आप ये लेके चल रहे हो, एक दूसरे में इंटरचेंज ऐसे मत करिए, ठीक है। चलिए और बोलो, कोई बच्चा कोई डाउट, कोई डाउट? गे-लुसेक्स लॉ, बेटा गे-लुसेक्स लॉ ने क्या कहा है, अगर आप इन फिगर्स को केयरफुली देखें और अपना सोचें, दिमाग लगाएं, व्हाट आई मीन टू से, यहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो अगर हमने पिस्टन में चेंज कर दिया है, हीट किया है, तो और कोशिश यही की है, ध्यान से देखना, हमने कोशिश यही की है कि पार्टिकल निकल के बाहर ना आ जाए या उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, और वॉल्यूम चेंज ना करने के लिए क्या किया है, वॉल्यूम चेंज ना करने के लिए ऊपर हमें वजन बढ़ाना पड़ा है, दैट इज प्रेशर बढ़ाना, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं जिससे कि वॉल्यूम चेंज ना हो। तो बेसिकली वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने बाहर से वेट रख दिए है। जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये वेट क्यों रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस गैस का प्रेशर बढ़ रहा था, ये इसको बाहर की ओर फेंकना चाह रही थी, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही मोशन बढ़ने लगा, मोशन बढ़ते ही प्रेशर बढ़ने लगा, लेकिन हम भाई कॉमन सेंस से वॉल्यूम भी बढ़ जाता, लेकिन हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है,
तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए बाहर से वजन रख दिया, बट इट प्रूव्स कि यहाँ क्या चीज बढ़ गई है बच्चों, यहाँ क्या बढ़ गई है, प्रेशर बढ़ गया है। तो पहले लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स थे, उसके बाद मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए, फिर बहुत ज्यादा कोलिजन्स होने लगे। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोर मॉलिक्यूल विल हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, ज्यादा मॉलिक्यूल हिट करेंगे, इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है इस लॉ में। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इनका पूरा नाम है जोसेफ लुइस गे ल्यूसेक, ठीक है, ये जोसेफ लुइस हैं। और इनका ये रहा लॉ, इट स्टेट दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। न्यूमेरिकल करने के लिए P अपॉन T कॉन्स्टेंट है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, या P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 अपॉन T3। ग्राफ अभी मैंने आपको समझाया है, बट रिमेंबर टेम्परेचर इन केल्विन, ये व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर ज्यादा था प्रेशर भी ज्यादा था। अब बेटा हमने टेम्परेचर कम किया तो प्रेशर भी कम हो गया, और इसलिए ग्राफ ऐसे करके बनता गया, और ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको बढ़ाओगे तो ओरिजिन से पास हो जाएगी। आई होप सो क्लियर होगा बच्चों। इसके बाद अगर आपको दिख गया हो तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को कहते क्या है, सच प्रोसेस आर टर्म्ड एज आइसोचोरिक प्रोसेस, नहीं कोरिक प्रोसेस, ठीक है, चोर नहीं पढ़ना, कोर पढ़ना है। अरे भैया न्यूमेरिकल आए हो, न्यूमेरिकल करो 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 करो, जल्दी से करो, कॉपी पेन उठाओ, न्यूमेरिकल करो। अ ग्लास कंटेनर इज सील्ड विद अ गैस at 8.8 atmospheric pressure and at 25 degree centigrade, the glass container can sustain a pressure of 2 atmosphere. Calculate the temperature to which gas can be heated before bursting the container. Start. Answer batai do. एक बच्चे का आंसर आया है, बेटा अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो गलत लग रहा है, निखिल बेटा आपने 745 केल्विन में दिया है, बहुत बड़ा अंतर लग रहा है दोनों के आंसर में। चलिए एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर मैं देखूं तो 0.8 से 2 ये बढ़ रहा है, 745 के आंसर सही लग रहा है मुझे, 745 के इज करेक्ट, आई होप सो। चलिए वेरी गुड, क्योंकि 472 डिग्री सेंटीग्रेड भी एक बच्चे ने कहा है इसलिए मैंने कहा। सिंपल क्वेश्चन है, शुरू का प्रेशर है 0.8 एटमॉस्फियर और टेम्परेचर 298 केल्विन, कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मत लीजिएगा। और बाद का प्रेशर जैसे P2 कहा 2 एटमॉस्फियर है और बाद का टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन में कह रखा है कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, कंटेनर इज सील्ड, ध्यान से देखो ऊपर सर्कल कर दिया गया है, कंटेनर सील्ड है, इससे समझना है वॉल्यूम कांस्टेंट है। यानी अब दिमाग की बत्ती जलाओ, गे लुसेक्स लॉ लगाओ, और गे लुसेक्स लॉ का एक फॉर्मूला है P1 अपॉन T1 P2 अपॉन T2, यहां से टेम्परेचर बात का निकालना है। एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो ये 472 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 745 केल्विन आएगा। वेरी गुड, आप लोगों का आंसर सही था। अब कैसे मान लें आप सही हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गे लुसेक्स लॉ, भैया देखें और बताएं ABCD आंसर, जल्दी जल्दी हाथ खड़े करें। वेरी गुड, हाँ ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन है, मैं ये देख रहा हूँ उसको गलत करे तो मैं उसकी खिंचाई करूं, कोई गलत नहीं करेगा, बोले हम जवाब ना देंगे लेकिन गलत ना करेंगे। एक बार देख बोलूं ये कौन कौन से प्राणी है जो जवाब नहीं देते, ठीक है, ये मतलब खाली जैसे कहते हैं ना मौजा ही मौजा करने आए हैं। एक मिनट है जस्ट, हाँ भैया विजय भसीन दे रहे हैं, विदयी दे रहे हैं, श्रेया बेटा आपने एक भी आंसर ना दियो, दियो है सर टू लिखा आपके नाम के आगे, निखिल ने दिए, गुंजन ने दिए हैं, अविशी ने दिए, हाँ भैया ये अंशिका गंगवार एंड अलीशा श्रीवास्तव,
अलीशा ने अब बहुत कहने पे एक आंसर दे दिया शायद, और अंशिका ने तो आज एक बार भी चैट में एक भी मैसेज ना दियो है। भैया ये प्रॉक्सी स्कूल वाली लगा रही हो बेटा अंशिका? बोले हम सुन भी कहा रहे हैं तुम्हारी जो तुम बोल रहे हो, वेरी बैड, अच्छी बात नहीं है ये। चलो आई होप सो सभी बच्चों का आंसर सही हो और ये सद्बुद्धि आए, भगवान दे इनको जो नहीं आ रहे। अब गैद्रो याद आ गया, आई होप सो सभी को याद है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है अवोगैड्रो लॉ में, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैस कोई भी है उसका इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल ही मोल्स आएंगे, दैट इज अवोगैड्रो लॉ। तो बेसिकली अवोगैड्रो लॉ कह क्या रहा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट। मतलब क्या है इसका, इसका कहने का ये मतलब है कि यहां पे सपोज प्रेशर है 1 बार, टेम्परेचर है 298 केल्विन, और लेट सपोज, पढ़ाते तो दे यार अभी से क्यों, पढ़ाने तो दे पहले, समझाने तो दे। तो प्रेशर और टेम्परेचर ये दो वैल्यू आपको गिवन है, और अब हमने कहा कि यहां का वॉल्यूम मेजर करो, यहां का वॉल्यूम मेजर किया 5 लीटर आया, ठीक है 5 लीटर आया, और कहा देखो भाई पार्टिकल कितने हैं, लेट सपोज एक वैल्यू मान ले रहा हूं मैं, ठीक है 0.3 मोल्स थे गैस के, 0.3 मोल्स थे, गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन थी, 0.3 मोल हाइड्रोजन गैस के 5 लीटर ऑक्यूपाई कर रहे थे इस टेम्परेचर प्रेशर पे। हमने गैस निकाली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन भरी, रिजल्ट सेम, मतलब इस टेम्परेचर प्रेशर पे नाइट्रोजन के भी 0.3 मोल इतनी ही, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे। हमने गैस नाइट्रोजन निकाली, ओजोन ऐड की, अगेन इस टेम्परेचर प्रेशर पे इतने ही मोल्स थे, इतना ही वॉल्यूम था, यानी इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा गैस कौन सी है, ठीक। इसके बाद एक्सपेरिमेंट बढ़ाया, कैसे बढ़ाया कि हमने सपोज वॉल्यूम डबल किया, 5 से 10 लीटर किया, टेम्परेचर प्रेशर यही रहने दिया, और ये देखा यही टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन रखने के लिए यहां मोल्स भी 0.6 करने पड़े, पहले 0.3 थे ना, अब मोल्स कितने करने पड़े हमें 0.6। तो जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये पता चला हमें कि गैसेस के केस में नेचर ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं होता, कि गैस ऑक्सीजन की है, नाइट्रोजन की है, हीलियम की है, किसकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल्स से फर्क पड़ता है। अगर गैस कोई भी है और वॉल्यूम सेम है तो गारंटेड उस गैस में मोल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे, टेम्परेचर प्रेशर अगर सेम है। तो यहां से इन्होंने लॉ क्या बनाया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, दैट इज वॉल्यूम अपॉन मोल्स इज कॉन्स्टेंट, या फिर वट एवर यू कैन से V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, मोर द वॉल्यूम मोर द मोल्स आर प्रेजेंट, लेस द वॉल्यूम लेस द मोल्स आर प्रेजेंट, टेम्परेचर प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली है, ठीक है। अब पूछो बेटा विजय क्या पूछ रहे हो, आपने शायद 2 लिखा था या व्हाटएवर हैंड रेज किया था, जल्दी पूछो। सर हमने अभी पिछले वाला लॉ पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में गेलू से, तो सर उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट था, सर इस वाले में टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली लेकिन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो सर इसमें भैया मैंने वो लॉ अलग था, वो आप ठीक से पढ़ के देखिए, वो बेसिकली ये नहीं बता रहा गैस लॉ, वो लॉ था लॉ ऑफ कंबाइनिंग, वो लॉ कौन से थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ थे। बेटा कहीं पे भी LAW लॉ देखो तो ये मत समझो कि वो हर जगह एक जैसे चलेंगे, उस लॉ के ऊपर की हेडिंग भी पढ़ो, उन लॉ के ऊपर की हेडिंग थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब जब कोई चीज कंबाइन करेंगे उसके लॉ थे, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके HCl बनाएंगे, N2O2 कंबाइन करके NO2 बनाएंगे, वो उसके लॉ थे, मतलब वहां के लॉ थे, साइंटिस्ट यही था, लेकिन इसने दो अलग अलग जगह काम किया है, तो वहां के लॉ अलग है यहाँ का लॉ अलग है, कंबाइन थोड़ी हो रहा है यहाँ कुछ। आप उस लॉ को फिर से पढ़ के देखिएगा, वो कंबाइन करने के लिए लॉ था, और ये लॉ किसके लिए है, ये कंबाइन करने के लिए थोड़ी है, ये किसके लिए, ये तो खाली बता रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है एक ही गैस के लिए, कहीं मिक्सचर या
कंपाउंड बनने की कोई बात इस लॉ में नहीं है. सो दैट डिफरेंटली इट इज डिफरेंटली. ठीक है, अब ये ना हो कि भाई कल को कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ भैया इन लॉज में तुम्हारे यहाँ कौन कौन है, पापा के इन लॉज क्या है, वहां पहुंच गए बोले बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, वैगेटर लॉ होता है, गेलुसेक्स लॉ होता है, और लॉ वाइसर लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब भैया लॉ वर्ड का मतलब जे ना होता, कहीं पहुंचो लॉ लेके पहुंच जाओ. ठीक है, अब आ जाओ एवोगैड्रो लॉ पे. तो भैया अवोगैड्रो भाई क्या कह रहे हैं भैया, एक तो इनका फोटो है चूहा टाइप का लगे देखने में, आंखें इसकी बड़ी अलग है, लेकिन ठीक है बढ़िया साइंटिस्ट था ये भी. भैया कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम पे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं फॉर ऑल गैसेस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स. ठीक है, ये लॉ हो गया हमारा अभी. और बेटा बेसिकली इन्होंने एवोगैड्रो नंबर भी दिया था, तो अभी हम इसे ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, अगला बैच है. ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन अब बनाएंगे, कल इसको प्रोसीड करेंगे आगे. चलो बच्चों किसी को कोई डाउट जल्दी पूछो. सर रिवीजन बैच का टाइम कब रखेंगे? एक बारी कोचिंग ओपन होने दीजिए, एक आध दिन में ओपन हो रही है. हाँ बेटा बोलो. सर फर्स्ट चैप्टर कब पढ़ाएंगे? जोर से बोलना बेटा. सर फर्स्ट चैप्टर कब पढ़ाएंगे? हाँ बेटा अब वही है रिवीजन बैच, यही ये भी वही बात कर रहे हैं. रिवीजन बैच 15 तारीख के आसपास, मतलब परसों से कोचिंग खुलने का है, और वो रिवीजन बैच कह लो या स्टार्टिंग से कह लो, तो हम उसमें क्या करेंगे ऑब्वियसली वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होगा. जो बच्चे आएंगे वो उस समय ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे होंगे, दैट इज रियल क्लास होगी, और बाकी के लिए रिकॉर्डिंग चलेगी चलेगी या ऑनलाइन क्लास चलेगी. तो मोस्ट प्रोबेबली 15 को हम एक बारी कोचिंग ओपन हो जाए तो 16 के आसपास आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन टाइमिंग सब कुछ बता देंगे. सर शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स? बेटा उसी चक्कर में रुके हैं, उससे पहले कुछ और तो पढ़ाया ही नहीं जाएगा, चिंता ना करो तुम. ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग.